राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर देश भर में धूमधाम से मंदिरों में सुंदर कांड पाठ एवं दीप जलाकर पूजा अर्चना कर मिष्ठान वितरण किए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस में कई जगह मंदिरों में सुंदर कांड पाठ एवं पूजा अर्चना की गई। वहीं क्षेत्रीय महासभा के प्रदेश महामंत्री सौरभ सिकरवार के नेतृत्व में पुरानी सब्जी मंडी में लड्डू वितरण किए गए एवं ग्राम मामचौर में युवा मंडल एवं वरिष्ठों के द्वारा राम शिलान्यास के अवसर पर राम उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्सव कार्यक्रम के उपरांत मिष्ठान 101 किलो के लड्डू वितरण का कार्यक्रम किया गया। लेकिन कुछ विवादित जो भी लोग थे वो इस मनसा को नहीं पूर्ण होने दे रहे थे, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस का निर्णय लिया गया कि जो राम जन्मभूमि है वहाँ पर श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज इसका भूमि पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य में नगर कैलारस में हम सभी राम भक्तों के द्वारा आज यहाँ पर श्री राम भगवान की पूजा अर्चना करके प्रसादी वितरण किया गया, जिसमें 1.5 क्विंटल लड्डू का वितरण किया गया। और जो श्री राम भगवान थे वो कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंब की एक अपनी विचारधारा थी, उसे पूरे विश्व में कायम करना चाहते थे। तो मुझे आशा है कि यह जो भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। करीबन 500 सालों से चले आ रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अभूतपूर्ण निर्णय लिया कि जो जन्मभूमि है वहाँ पर श्री राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसे लेकर हम लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी का माहौल था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसका भूमि पूजन था, उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने नगर कैलारस के पुरानी चौराहे पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया और लोगों में एक जो सकारात्मकता का भाव आया है कि जो श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा उससे कहीं ना कहीं विश्व में शांति और कल्याण होगा। इसलिए आज हम सभी लोगों ने अखिल छत्तीस महासभा के बैनर तले लड्डू का वितरण किया और जो भव्य निर्माण हो रहा है उसके लिए दूसरे को मिलकर बधाइयाँ दी।